रुक करते हैं प्रदेश की ओर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचों वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वे चुनाव जीतते हैं तो कोई बात नहीं होती और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम का रोना रोया जाता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वे चुनाव जीतते हैं तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जब भाजपा चुनाव जीतती है तो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हालांकि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत चुकी है तो उन्हें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन जब भाजपा ने देश में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है तो आज उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का दोहरा मापदंड है, लेकिन देश की जनता जानती है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है और विकास कार्यों को अंजाम दिया है उस पर ये मैंडेट उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी भाजपा और ज्यादा विकास करवाएगी और गरीबों के उत्थान के लिए काम करेगी। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को कांग्रेस पार्टी के नेता चरितार्थ कर रहे हैं। अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की पुरानी आदत से मजबूर ये कांग्रेस के नेता अब भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप पंजाब विधानसभा का चुनाव जीते, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव जीते, क्या वो ईवीएम घोटाले के कारण जीते? जब तो कांग्रेस जीते तो ईवीएम ठीक है और जब भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम खराब है, ये कहकर वो लोकतंत्र की मर्यादाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और जिस जनता ने अपना वोट बहुमत में डालकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है उस जनता का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस की इस घटिया राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी कड़ी निंदा।